नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे स्कूल की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे इंसानों का स्कूल नहीं बल्कि भूतों का स्कूल कहा जाता है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर इंसानी बच्चे नहीं बल्कि भूत प्रेत ढेरों की तादाद में पहुँचते हैं, पढ़ाई करते हैं कि कराते क्या मालूम भाई, अब वही लोग जाने। खैर, आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कैसा स्कूल है कहानी के जरिए। तो आइए चलते हैं यहाँ से ठीक 13 साल पहले और जानते हैं उस स्कूल के सबसे पहले हुलिया को और फिर कहानी को, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2010 के आसपास ये स्कूल पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ करता था। 8वीं तक का स्कूल था, छोटे ही साइज का, ज़्यादा स्क्वायर फिट में फैला हुआ नहीं था, सिंगल फ्लोर का था, 7-8 कमरे थे और गांव के जितने भी बच्चे थे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे क्योंकि पूरे गांव का एकमात्र ये स्कूल था। एक ही फ्लोर था और जो छत था उसमें कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं थी। बच्चों को ऐसे छत में जाना अलाउ नहीं था क्योंकि बाउंड्री वॉल नहीं थी, कोई गिर जाता तो कोई हादसा हो जाता। यही कोई सेप्टेम्बर का टाइम था, दोपहर के 1:30 बज रहे थे 2010 में ही, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं कि अचानक से एक बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर धड़ाम, जैसे कि कुछ कहीं से गिरा। सारे बच्चे घबरा गए, चिल्लाने लगे, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, कर्मचारियों के बीच में हड़कंप मच गया कि आवाज कहां से आई, कौन सा बच्चा चिल्लाया और फिर क्या गिरा। भागते हुए पहुंचे जहां से वो आवाज आई थी तो क्या पाए कि एक बच्चा गिरा हुआ है ईंटों के ऊपर और सर से मतलब खून बह रहा है और शायद उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इन लोगों ने देखे ऊपर की तरफ तो क्या पाए कि ऊपर एक औरत खड़ी हुई है और शायद इसी की वजह से यह बच्चा यहां पर गिरा है। एक कर्मचारी ने इस औरत को पहचान लिया, अरे ये तो वही है इस बच्चे की माँ। जैसी उसने ये बात बोला है, सारे कर्मचारी उस छत की तरफ दौड़े जहां पर वो औरत खड़ी हुई थी। वो औरत भी उनको अपनी तरफ आता हुआ देख कर दूसरी तरफ छलांग मारी नीचे की तरफ। देखो, ज्यादा हाइट का स्कूल नहीं था, गांव का स्कूल था, नॉर्मल स्कूल था, तो ऊपर से नीचे छलांग मारी और खेत जंगल की तरफ दौड़ के जाने लगी। तो सारे कर्मचारी भी छत में चढ़ते चढ़ते वापस उतरे और फिर उस तरफ भागे जहां पे वो औरत भागी, क्योंकि उसने ये क्यों की मालूम नहीं। अब कुछ लोग थे जो बच्चे को देख रहे थे, दूसरी तरफ लेके भागे रहेंगे हॉस्पिटल, लेकिन बच्चे की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी थी। अभी मेन मकसद था उस औरत को पकड़ना, उसी बच्चे की माँ को पकड़ना जिसने अपने बच्चे को ऐसा गिराई कि मारी कि क्या मालूम क्या की। भागे 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 फिर घने जंगल में पहुंच गए। ये औरत कहाँ गायब हो गई है समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग हार मान के वापस स्कूल की तरफ लौटने वाले थे कि पीछे से किसी औरत की भी चिल्लाने की आवाज आई। ये लोग पलटे, क्या पाते हैं, इनके पीछे की तरफ एक खाई थी, वहां से ही चिल्लाने की आवाज आई। ये लोग सब वापस भागे उस खाई की तरफ, भागो भागो क्या हुआ खाई की तरफ, क्या हुआ, कौन चिल्लाया। तो क्या पाते हैं, उस खाई से वो औरत कूद गई और खुद का खेल कर दी है। किसी का दिमाग कुछ काम नहीं किया कि इस औरत ने ये क्यों की, पहले खुद के बच्चे का खेल फिर खुद का खेल। जवाब देने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि उस औरत और उस बच्चे के परिवार में ये दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। कुछ भी समझ में नहीं आया, ये गुत्थी वहीं पर सिमट के रह गई। ये कांड के लगभग 7 दिन तक ये स्कूल बंद रहा। पुलिस वुलिस आई होगी, तहकीकात फहकीकात हुई होगी, फिर वापस से 8वें दिन ये स्कूल खुला। लेकिन आज ये स्कूल नॉर्मल नहीं था, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, सबके मन में एक अलग अलग डर, एक अलग अलग चीज चल रही थी कि हमारे स्कूल में 7 दिन पहले क्या हुआ था कि अचानक से छत से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। छत में कौन दौड़ रहा है, कोई बच्चे का जाना तो अलाउ नहीं है। एक टीचर बोलते हैं भाई को, भाई जाके देखो भला ऊपर कौन दौड़ रहा है, अलाउ तो हमने किए नहीं है, वैसे इतना बड़ा कांड हो गया, पता नहीं क्या क्या होते रहते, छत में जाता क्यों है कोई। भाई भागते भागते छत की तरफ गई, देखी छत में तो कोई भी नहीं था, लेकिन छत में शैतानी आकृति बनी हुई थी और हर मतलब एक स्टार जैसा, ऐसा मैं फोटो डाल रहा हूं, ऐसा बना हुआ था और सबके कॉर्नर में नींबू डले हुए थे, नींबू लगे हुए थे। बाप रे, ये भाई घबरा गई, भागते हुए नीचे आई और हेडमास्टर को ये बात बताई। हेडमास्टर ने बोले कुछ ना कुछ तो अपने स्कूल में लफड़ा चल रहा है, ये बात की खबर किसी को भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रिंसिपल सर को बताओ क्योंकि प्रिंसिपल सर इस स्कूल के ओनर भी है
उन्हीं का स्कूल है, उन्हीं की जमीन है, उन्हीं का सब कुछ है। बस भाई प्रिंसिपल सर को पता चला। प्रिंसिपल सर ने बोले किसी का मजाक भी हो सकता है, नोटिस करो, कुछ भी गड़बड़ समझ में आए तो हमें फिर से बताना। इस कांड के ठीक अगले दिन से हर एक बच्चे के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकत होना शुरू हो गई। कोई बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ जाते, कोई बच्चा चिल्लाने लगता, अरे वो आंटी मुझे मारने के लिए आ रही है, ऐसा चिल्ला के वो भागने लगता, फिर भागता भागता बीच रास्ते में आके पलट लेता, शरीर कांपने लगता और मुंह के बल गिर जाता। किसी को बुखार आ जाता, किसी को उल्टी हो जाती, किसी को भूतिया विजन्स दिखाई देते, तो किसी के कान में आके कोई फुसफुसाता। सब लोग घबराने लगे। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ये बात बताया। पेरेंट्स भी समझ गए कि ये किसी और वजह से नहीं बल्कि उसी कांड की वजह से हो रहा है जो कांड कुछ समय पहले स्कूल की छत में से वो औरत की वजह से हुआ था, वो बच्चे की वजह से हुआ था। हो ना हो उस औरत की और उस बच्चे की आत्मा भटक रही है। पूरे गांव में ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। सब लोग बोलने लगे कि अपने बच्चे का नाम कटाओ वहां से, वो स्कूल सही नहीं है, वहां पे भूत भटक रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जिनको उस लड़की का उस औरत का बैकग्राउंड नहीं पता था वो ये बात बोलने लगे कि वो औरत एक डायन थी, अपनी डायनी एक्टिविटीज के वजह से वो खुद के बच्चे को खा गई और फिर खुद को खा गई। पता नहीं खुद को खा के वो किसको खुश करना चाह रही थी। सभी लोगों ने बोले बस नाम कटाओ। ये कांड के ठीक 3 महीने बाद इस स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा यहां से नाम कटा चुका था और इस गांव के बाजू में एक दूसरा गांव था वहां पे उनका एडमिशन करा दिया गया था। इस स्कूल में लग गया ताला। क्या हो सकता था? प्रिंसिपल साहब ने इस स्कूल को बेचने की बहुत कोशिश की, इस जमीन को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी खरीदार आगे नहीं आया क्योंकि नाम बहुत खराब हो चुका था। बड़ा शहर होता तो बात अलग हो जाती, लेकिन ये एक छोटा सा गांव था और कोई भी, गांव में तो बहुत सारी ज़मीन मिल जाती है, कोई भी इस स्कूल के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता था कि सब लोग मानते थे कि ये भूतों का स्कूल बन चुका है। कुछ ही महीनों बाद ताला लगने की वजह से वो स्कूल खंडर में तब्दील होने लगा। आसपास जंगली पेड़ पौधे लग गए, दीवारें कमज़ोर होने लगी, दीवार के रंग उड़ने लगे, काई लगने लगी। ठीक 5 साल बाद ये स्कूल अब स्कूल नहीं लगता था। ऐसा लगता था देखने से ना जाने कितना पुराना वीरान पड़ा हुआ कोई खंडर है। कोई भी इस स्कूल के आसपास जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था क्योंकि लोग कहते थे कि इस स्कूल के आसपास से भी जाओ तो अंदर से लोगों की कुछ ना कुछ करने की आवाज़ें सुनाई देती है, किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, गड़बड़ है। सब लोगों ने उस रास्ते को भी बॉयकॉट कर दिया जो रास्ता उस स्कूल के सामने से होकर गुजरता था। वो रास्ता भी अब पेड़ पौधे झाड़ियों से भर गया। कट्टू 2015 में इस गांव में एक हवलदार साहब ट्रांसफर होकर आते अपने परिवार के साथ। हवलदार साहब के परिवार में उनकी एक पत्नी थी, एक लड़का था 15 साल का जिसका नाम था रमन। अब इस गांव का स्कूल तो बंद हो चुका था 5 साल पहले, इसलिए हवलदार साहब ने अपने बच्चे का एडमिशन वही बाजू वाले स्कूल में करवा दिया, बाजू गांव वाले स्कूल में। क्या होता है कि रमन का नेचर ऐसा था ना कि भाई वो कुछ भी चीज़ दबा के नहीं रख सकता था, उसको कोई चीज़ जानना है तो जानना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रमन 15 साल का ये लड़का भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था और पूरी तरह से नास्तिक था। खैर रमन के इसके गांव में दो दोस्त बनते हैं पक्के वाले, एक का नाम था नितिन और एक का नाम था अनूप। अब नितिन और अनूप कोइंसिडेंटली बचपन से उस बाजू गांव वाले स्कूल में पढ़ते थे, उनको भी इस स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो लोगों ने भी सुने हुए थे जैसे गांव के सारे लोगों ने सुने हुए थे उस स्कूल में क्या कांड होते हैं। तो इन लोगों ने अपने रमन को बताया कि ऐसा ऐसा कांड होता था भाई, अपने गांव में भी स्कूल था। तब से ही रमन के दिमाग में बैठा हुआ था कि मैं इस स्कूल के बारे में पता करूंगा क्योंकि भूत प्रेत तो नहीं हो सकते वहां पर। देखो भाई भूत प्रेत होते ना तो ऐसी हरकतें नहीं होती, पूरी गांव को खा गए होते वहां के भूत। और वो भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास भी नहीं करता था। रमन कहता था कि कोई नशे पत्ती करने वाले लोग हैं जो वहां पर आते हैं और वो ऐसी हरकतें करते हैं ताकि पूरे गांव वाले डरे रहें और ये खंडर वापस से स्कूल ना बने, क्योंकि ये खंडर वापस से स्कूल बन गया तो हमारा अड्डा फिर ये नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर डेरा उन्हीं लोगों का है और मैं इसका पर्दाफाश करूंगा और तुम दोनों मेरा साथ दोगे। इन लोगों का ऐसा माइंड वॉश किया रमन ने कि बोले हाँ यार देखते हैं अपन चल के एक दिन। रमन ने
अपने पिताजी का मोबाइल चुराया। बोला कि दोपहर में 12-1 बजे के आसपास अपन चलेंगे और पूरा मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे, दिखा देंगे सबको, देखो एक भी भूत नहीं है और फिर अपन पूरे गांव के हीरो बन जाएंगे। ये लोग पहुंच गए डिसाइड की हुई डेट और टाइम में। अब डेट टाइम में ये लोग पहुंचे हैं, एक टूटा हुआ दीवार थी उससे स्कूल के अंदर जंप मार के पहुंच गए। वीडियो शीडियो बना रहे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फिर बाहर निकले तो रमन के दिमाग की बत्ती जली कि यार हम लोग दिन का वीडियो दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे तो दिन में तो कहीं पे भी भूत आ नहीं सकते, उल्टा कोई भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और मार घर से अलग पड़ेगी। उससे बेटर ये है कि लोग के सामने जाएं तो पूरे सबूत के साथ जाएं, हम लोग दिन का वीडियो नहीं बल्कि रात का वीडियो सभी को दिखाएंगे। आज रात में चलते हैं और इस स्कूल का पर्दाफाश सबके सामने करते हैं। अनु बोलता है कैसे? वो बोलता है अबे ऐसे कि रात में यहाँ पर आएंगे, वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि देखो कोई भूत नहीं है, सिर्फ नशा पानी करने वाले लोग आते हैं। पहले तो ना नुकुर बहुत किए, फिर नमन ने अपनी बातों से जैसे तैसे करके इनको मना लिया। रमन ने इन लोगों को बोला कि हम लोग बोलेंगे कि नितिन के घर पे ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं और नितिन तू अपने घर पे मेरे घर का नाम ले लेना, ऐसा करके अपन अपने घर वालों को उल्लू बनाएंगे और तीनों इस स्कूल के सामने रात के ठीक 9 बजे मिलेंगे। रात के 9 बजे का इंतजार करने लगे तीनों और फिर तीनों अपने अपने घरों से मोबाइल लेकर निकल गए। घर वाले भी रोके नहीं ना, घर वालों को बोले कि हम लोग ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो घर वाले तो अपने बच्चों को बड़ा अच्छा समझेंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पर कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं भाई। पहुँच गए इस स्कूल के सामने, लेकिन जैसे ही पहुँचे हैं ना अंदर से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज समझ में आ रही है, हरकतें तो हो ही रही है, कुछ ना कुछ तो आवाज़ थी। लेकिन फिर अचानक से अनूप बोलता है नहीं ये तो पक्षी के पड़पड़ाने की पंख की आवाज़ थी, चलो 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 अंदर। वही टूटी हुई दीवार के रास्ते ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं, पूरे इस स्कूल के चक्कर मारते हैं वीडियो बनाते बनाते, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ भी एक्टिविटी फील नहीं हुई। फिर ये लोग स्कूल के आखिरी वाले कमरे में आते हैं, यहाँ पे पुरानी बेंच चेयर डेस्क ये सब रखी हुई थी ढेर सारी एक कोने में, यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आता है। ये लोग वापस लौटने ही वाले थे उस टूटी हुई दीवार के रास्ते की, अचानक से घड़ 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 करके वो पीछे रखी हुई बेंच टेबल चेयर हिलती है। ये लोग पलट के देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सबसे सामने रखी हुई बेंच में एक बड़ा सा पेपर रखा है जो ऐसा ऐसा हिल रहा है। बड़ी हिम्मत करके रमन आगे जाता है, कांपते हुए हाथों से उस पेपर को उठाता है। उस पेपर को जैसे ही पढ़ता है तो इसके मान लो हलक सूख जाती है। उस पेपर में लिखा हुआ था खून से, ये भूतों का ही स्कूल है, इंसानों का नहीं, तुम्हें इस स्कूल के अंदर नहीं आना चाहिए था। जैसे ही बाजू वाले दोनों दोस्तों ने ये लेटर को पढ़े, एक साथ तीनों चीखे, बोले भागो यहां से। सब हवा टाइट हो गई, भागते 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 उस टूटी हुई दीवार की तरफ पहुंचे तो अरे बाप रे, ये दीवार तो टूटी हुई थी, बनी कैसे हुई है? भागो भागो दूसरी तरफ देखो, यहां से भी टूटी हुई थी, यहां से भी बनी हुई है। इन लोगों का दिमाग काम करना छोड़ दिया क्योंकि सारी टूटी हुई दीवारें बंद दिख रही थी, ऐसा मानो कि कोई चीज इन्हें अंदर कैद रखना चाहती होगी। फिर अचानक से इनको पीछे की तरफ से एक और हलचल सुनाई दी कि जैसे पीछे लगा हुआ दरवाजा जोर जोर से हिल रहा है। ये लोग पीछे पलट कर देखे, वो दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी, सिर झुका है, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे पूरे, सामने की तरफ आ रहे हैं जिसकी वजह से उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था। वो औरत ने अचानक से हंसना शुरू कर दी। ये बच्चे बहुत जोर से चिल्लाए, बोले अब क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पैर मानो वहीं पर जम गए। वो औरत जुब से ऐसा देखी और ठाड़ से ऐसा गोली की रफ्तार से उनके ऊपर झपट्टा मारी है ना कि ये लोग अपनी जगह से भी नहीं हिल पाए और तीनों एक साथ गिरे। अब डर की वजह से कहो या चोट लगने की वजह से कहो, तीनों वहीं पर बेहोश। बस उसके बाद वापस से आंखें खुली तो ये बच्चे इस स्कूल के अंदर नहीं, इस स्कूल के बाहर पड़े हुए थे। उठे और तीनों ऐसे रफ्तार, गोली की रफ्तार के जैसे भागे हैं ना, ऐसा भागे हैं कि सीधे अपने अपने घर के अंदर। सभी के घर वालों ने पूछे अरे भाई तू भागते हुए कहाँ से आ रहा है इतना ज्यादा डरा हुआ? तो सभी लोगों ने बोले सुबह बात करेंगे, अभी नींद आ रही, बहुत हो गई पढ़ाई, जाके सो गए। फिर अगले दिन मिले आपस में तीनों और फिर ये बात हुई है भाई हमने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है, हम सचमुच के एक हॉन्टेड स्कूल में पहुंच गए थे, हमें अपनों से बड़ों की बात मान लेना चाहिए था, लिटरली मौत सामने खड़ी हुई थी लेकिन बच गए,
अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। रमन ने भी हाथ जोड़ के बोल दिया, जो भी आसपास शक्ति थी, मुझसे गलती हो गई, मैं आप लोगों के ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे कुछ साबित नहीं करना है किसी के भी सामने कुछ भी, और आप लोग भी मेरे सामने आज के बाद कभी मत आना। वो दिन था और आज का दिन है। रमन रात के समय अकेले भी घर से बाहर निकलने से डरता है। 8 साल हो गए हैं, बड़े हो गए अभी ये लोग, 23-24 साल के हो गए। रमन, अनूप, नितिन तीनों का सेम हाल है, अभी भी उसी गांव में रहते हैं। और मतलब घर से कोई भी काम भी हो ना, तो किसी ना किसी को साथ में लेकर ही निकलेंगे। उस रास्ते को भी भूल गए जो रास्ता उस खंडर वाले भूतिया स्कूल के सामने से होके गुजरता था। कान पकड़ लिया अपने और पूरी तरीके से विश्वास करने लगे ऐसी चीज़ों पर, ऐसी एक्टिविटीज पर। ये पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद रमन ने लिख कर भेजा, बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी चीज़ें होती है, कोई माने या ना माने वो आपका पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल सोच है, लेकिन आप अपनी सोच से ऐसी चीज़ों की एक्सिस्टेंस को बना या मिटा नहीं सकते। होती है तो होती है, बड़ों की बात माना करो। खैर, उम्मीद करता हूँ अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद आया होगा, तभी देख रहे थे, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।